आप जैसे भी हैं अनूठे हैं, आप जैसे भी हैं ना, आप अनूठे हैं। ये मत सोचिए कि मैं इनके जितना हैंडसम नहीं हूँ, कोई बात किसी से कंपेयर मत करिए। बच्चे तो आप ही कहते। बाकी कैसे हैं आप? आप तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं मुझे। मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल कंपनी को खतरा हो जाएगा देश के अंदर, दवाइयों की कंपनी को खतरा हो जाएगा इस तरह से, यदि आप लोग ठीक होते रहे तो। हो जाए तो हो जाए, कोई बात हम लोग एक नारा लगाया करते थे, अभी तो ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो शुरुआत है, आगे आगे चलती जाएगी। मुझे खुशी होती है आप जैसे जवान लोगों से मिलके, क्योंकि हम अपनी जवानी को आप लोगों में देख पाते हैं। वो तो कहेगी, ये तो सुनना ही नहीं चाहते, ये तो सुनना ही नहीं चाहते इस बात, क्योंकि जो हम सुनते हैं ना वही फिर हमारे दिमाग में बैठते हैं। ऐसे करते हैं ना, अरे ऐसा लग रहा है कुछ खास सा हो रहा है, आज ठंड सी लग रही है, कुछ लग रही है, फिर वो लगने लग जाती है। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। पिछले सेशन में बहुत ज़्यादा मैंने ज़्यादा नहीं बोला था मेरे छोटे भाई के लिए। छोटा भाई ठीक है ना? छोटा भाई ठीक है ना? अभी पिछले मतलब लॉकडाउन के बाद ये पहला चर्च है जहाँ मैं आया हूँ। फैमिली विजिट भी दो तीन ही करी है, लेकिन ये पहला चर्च है, फिर से आप समझ सकते हैं कि हमारे इनका बीच का और मैंने पिछले सत्र में भी यही कहा था कि मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह से संगति में कर पा रहा हूँ। इसलिए आपको जो संगति हर सप्ताह मिलती है उसको आप हल्की ना लें, यू नो समटाइम्स वी टेक इट ग्रांटेड कि ये तो चलो जाना ही है, चल पड़ो किसी तरह से। सीढ़ियाँ भी ऐसे चढ़ते हैं जैसे पता नहीं क्या हो, ऊँट के ऊपर चढ़ने जा रहे हैं। जोश के साथ आइए ना, आपको देखकर दूसरे के अंदर भी जोश आ जाए। ऐसे आप चलें, ऐसे आप चढ़ें सीढ़ियाँ, ऐसे आप गवाही देने के लिए खड़े हो जाएं। खड़े होने में ही 30 सेकंड लग जाते हैं। पूरा जोश बना रहना चाहिए प्रभु का। हालेलुया। अब चूंकि कलीसिया जहाँ जाता हूँ मैं अपनी ही कलीसिया समझता हूँ, तो कुछ करेक्शंस कर देता हूँ बीच बीच के अंदर। तो एक करेक्शन ये भी है कि गवाहियों को बदल दिया। कौन सा हम कैसे गवाहियां बदलें, गवाहियां तो प्रभु कर रहा है ना। अब गवाहियों को बदल दीजिए, अब ये पेशेंट बनना बंद कर दीजिए, डॉक्टर बन जाइए। ये भी आपको समझ पा रहे हैं? डॉक्टर साहब माथे में दर्द है, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब घोड़े में दर्द है, डॉक्टर साहब ये हो गया। आप जाके पूछो कहाँ है तेरे दर्द, बता। समझ रहे हो? जो होम्योपैथिक के पेशेंट्स है ना, होम्योपैथिक के, वो धीरे धीरे होम्योपैथिक के डॉक्टर बन जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि कौन सी गोली कब लेनी है, कौन सी गोली कब लेनी है, और आदत पड़ जाती है। मैंने देखे हैं ऐसे प्रैक्टिकली। इसलिए मेरे सीरियल के अंदर जो पात्र होते हैं वो काल्पनिक नहीं होते, वो सच्चे होते हैं। तो अब ये पेशेंट की कैटेगरी से निकल कर डॉक्टर की कैटेगरी में आना शुरू करें। बोलिए प्रभु से, इस वर्ष प्रभु मेरी गवाही यहां ये हो कि मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना की और वो ठीक हो।
क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जो नहीं कर सकता वो मुझे बताओ कि मैं नहीं कर सकता। अभी तो कोई नहीं बोलेगा, बाद में बोलेंगे भाई साहब आज तक किसी को ठीक नहीं करा, आज कैसे कर देंगे, अब कैसे करते। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैंने कभी किसी को ठीक नहीं किया था, पुरानी बात बता रहा हूँ। और जो एक इंसिडेंट हुआ था वो था कि सिस्टर जो बहन थी वो थी तमिलनाडु के अंदर कहीं साउथ में, उसके हस्बैंड यहाँ थे किसी एयरफोर्स या किसी मिलिट्री में थे। उनको उन्होंने उनको बताया कि हमारे यहाँ एक बात है, मेरे की लॉस की बात है, हमने फोन पर प्रार्थना की और वो कैंसर से ठीक हो गई। वो पहला मिरेकल था। दूसरा मिरेकल, जो बहन हाइपरटेंशन से ग्रस्त थी वो ऐसे बताती थी मुट्ठी भर के, पता नहीं कितनी होती मुट्ठी भर के गोलियां खानी, और 365 दिन उनको जुकाम रहता था, वो ठीक हुई थी। यदि मेरे से आप पूछे कि क्या आपको उस दिन पता था कि ये ठीक हो जाएगी, या आपको अंदर से विश्वास था कि ये ठीक हो जाएगी, ईमानदारी से बोलूं तो नहीं, क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी में कुछ नहीं कर सकते। आई कैन डू दस दस उंगलियों की प्रार्थना है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु में जो मुझे सामर्थ्य देता है। आप कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, आप कुछ नहीं। फोन निकाल रहा हूं, इसमें से सिम निकाल दीजिए, बैटरी निकाल दीजिए, किसी काम का नहीं। बैटरी आप नहीं है, आप यंत्र है, आपकी बैटरी आपकी नहीं है, सिम आपका। एंड्रॉइड फोन लेके घूम रहे हैं, सिर्फ कॉल रिसीव कर रहे हैं, भेजने का कोई फायदा नहीं उसका। फिर तो एंड्रॉइड क्यों लिया? मुझे तो एंड्रॉइड का मतलब पता नहीं, लेकिन आप फंक्शंस बहुत हैं इतना मुझे पता है इसके। आप भी तो एंड्रॉइड फोन है पापा जी, आप थोड़ी मदद कर देना, बीच बीच के अंदर कहीं गलती होती है। एंड्रॉइड फोन है आप, इसका इस्तेमाल करिए। अभी सर्दी जुकाम की ठीक होने वाली, घुटने का दर्द, इसका दर्द, उसका दर्द, इसको थोड़ा सा एक लेवल और जाइए। 2021 में आप ये लक्ष्य रखिए कि मैं कितने लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी और कितने लोग ठीक होंगे। आप जैसे सोचेंगे वैसा होगा। बाइबल में एक व्यक्ति है 38 साल से बीमार है। कितने साल से? 38 साल में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है भाई साहब, बीमार ही बैठे हुए। बहाना क्या बनाता है? बहाना क्या बनाता है कि जी मेरे से पहले कोई और पूछ जाता है, मैं बैठा रह जाता हूँ। तू बैठा इसलिए तो बैठा रह जाता है। तू खोखो खोखो जैसे खोखो खेलते ना, पंजों, हाँ खोखो, हाँ पंजों के बल रहे, घड़ी ध्यान घड़ी पर ध्यान रख, अब सरदूत आएगा, अब पानी हिलाया जाएगा, उससे पहले दो तीन बार हिल ले, कूद ले मेंढक की तरह, कोशिश तो कर। तू तो तब सोचता है जब उस स्वर्गदूत आ जाता है, बंदा ठीक होकर निकल जाता है, तब कहता अरे ओए यार ये तो चला गया, फिर चांस गया, चल बेटा एक साल की तो गई बात। डोंट वेस्ट होल ईयर, पूरे एक साल को यही बर्बाद मत करने दीजिए। ये साल जो है बहुत उत्तेजनाओं का साल है। 2020 की जो हमारी असफलताएं, कमियां, अभाव, निराशाएं, दबाव, प्रेशर जो हम पर थे सब दूर है। सबसे बड़ा फायदा आप जो उठा सकते हैं मसीह जीवन का वो है संगति, जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिसको हम इग्नोर करते हैं। संगति एक मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है, चरित्र नियति को बनाता है, हमारे भाग्य को बनाता है। Our character builds our destiny. Destiny मतलब हम कहां, लक्ष्य हमारा कहां है, हम पहुंचेंगे कहां, अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या है हमारा, हेवन, स्वर्ग। हेवन इज अवर डेस्टिनी। उस डेस्टिनी को निर्धारित करने के लिए हमारा चरित्र, हमारी आदतें और संगति चरित्र को बनाती है।
गाली देने वालों की संगति में रहोगे, मुझसे कभी ना कभी निकल ही जाएगी, दिन में एक आध बार जरूर निकलेगी, पक्की बात। गीत गाने वालों की संगति में रहोगे, गीत निकलते रहेंगे, अपने आप निकले, कोई सुने जाए ना, मत सुने, मत सुने हमें क्या। मैं तो बस में गाया करता था, मेरे बच्चे मेरी पत्नी ऐसे देखते थे, मैं देखते नहीं था उनकी, मैंने कहा मैं मान थोड़ा रहा हूँ पैसे किसी से गीत गाते, मैं तो प्रभु के लिए कौन करा रहा हूँ। जब बाइक पर जाते थे हम लोग, 9 बजे घर से निकल जाते थे, 9:15 बजे करीब, 9:45 बजे चर्च पहुंचते थे 15 मिनट पहले, तो सारे रास्ते आराधना करते हुए जाते। इस संगति को आप डिस्पाइज मत करिए, डोंट डिस्पाइज द फेलोशिप दैट यू हैव। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन की, क्योंकि प्रारंभिक कलीसिया के अंदर लोग यही करते, चार काम भी किया करते थे वो लोग, संगति रखते, प्रार्थना करते रहते थे, रोटी तोड़ते थे, और क्या करते थे, चौथी बात वचन की शिक्षा देते थे। बी टीचेबल, पूछिए पैसा से, परमेश्वर के दास से पूछिए, पैसा मुझसे प्रार्थना नहीं होती, पैसा मेरे को बाइबल पढ़ना नहीं आता, ऐसे बोलिए ना, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता। मैं लोगों से पूछता हूँ बाइबल पढ़ते हो, हाँ हाँ पैसे बाइबल तो रोजाना पढ़ते हैं, अच्छा आज क्या पढ़ा था भाई साहब, आज का तो याद नहीं, कल का बता देता हूँ, अच्छा कल का बता दे भाई, फिर वो हाँ हाँ हाँ, क्योंकि रेगुलर नहीं पढ़ रहे, कुछ पता नहीं कि पढ़ा क्या है, यहाँ आके पन्ने पलटने से कुछ फायदा नहीं, यहाँ तो है ये फायदा, बट इस वचन को पढ़ने में कुछ समय दें। बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और चट्टान कौन है, और यीशु मसीह कौन है, वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर, ये वचन है, इसको पढ़िए, रेगुलरली पढ़िए। यहाँ तो आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जैसे कई ट्यूटर्स नहीं होते जो एक दिन आपको बता देते हैं, लेसन दे देते हैं, फिर एक हफ्ते आपको प्रैक्टिस करनी होती, सेम इज हियर, यहीं यहाँ भी इसी प्रकार से होता है। खैर भाई साहब ने मेरा नाम बता दिया, विनोद डेविड मेरा नाम, एक पत्नी है, 2 बेटे हैं, एक बहू है, एक पोती है, छोटा सा परिचय, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए, प्रभु ने बहुत अच्छे से रखा है, बहुत अच्छे से, जिस योग्य नहीं थे उससे भी अच्छे, और विशेष करके बच्चों को लेकर मैं भी इनसे बहुत ईर्ष्या करता हूँ, बच्चों को प्रभु बढ़ा रहा है, इन्हीं इनके बच्चे वो बहुत बड़े बड़े व्यक्ति बन गए, लेकिन प्रभु के लिए अभी एक बात मुझे याद अभी आई है, आप में से जितने पहलौठे हैं, फर्स्ट बॉर्न, जो आपके परिवार के जो बहन भाइयों में बड़े हैं, आज आप अपने आप को प्रभु को समर्पित करिएगा। वचन में लिखा है कि सारे पहलौठे मेरे हैं और वो मेरे लिए पवित्र ठहरे। ये जो संसार के अंदर ये जो ग्लैमर है ना, इसको देखना, उसको देखना, इससे अट्रैक्ट हो जाना, उसके पीछे चले जाना, उसको लुभाना, ये करना वो करना, ये आपके जीवन में आएगा ही, मैं गारंटी देता हूँ पेरेंट्स को। पहले अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें और फिर बच्चों को समर्पित करें, और उनको कहते रहें, माँ बाप बच्चों को कहने में बहुत होशियार है, 4 बार कह देंगे, एक बार बेटा उठ जा तेरे को जाना है, बेटा उठ जा तेरे को जाना है, तेरे को पता है ना तेरे को क्या करना है, तेरे को पता है, और बच्चा कहता है कि 4-5 बार बोल लेंगे ना तब मैं उठूंगा, क्योंकि उसको पता है इतनी बार बोलेंगे। तो अपने बच्चों को जो पहलौठे हैं आपके, उसको बोलिए कि तू प्रभु के लिए समर्पित है, हमने तुझे प्रभु को समर्पित किया, You are a child of God, और तू पवित्र है, तू अर्नेस्ट मल नहीं है, तू पवित्र है। हम बड़े खुश हो जाते हैं कोई बोलते हमारे को, अरे तू तो बिल्कुल किसकी तरह लग रहा है, नहीं नहीं कोई और इसका नाम ले लो जिससे ज्यादा परिचित हो, हीरो, हाँ ऐश्वर्या राय, और कौन कौन से हैं वो,
हाँ सलमान खान। मैं लिटरली आपको बताता हूँ बहुत पागलपने की बातें हैं मेरे साथ। मैं दिल्ली में ही रहा हूँ 50 साल से, मेरी वाइफ मिरांडा कॉलेज की पढ़ी हुई है, तो मुझे सलमान खान है कौन नहीं पता था, बैंक की बात था। तो मैंने पूछा ये कौन है, तो टीवी देखते ही नहीं थे, तो उन कैरेक्टर से हम प्रभावित ना हो। आप बड़े खुश हो जाते हैं, आपको कोई कह देता है कि तू उसकी जैसे लग रहा है, उसके जैसे लग रहा है, उसको कहो कि मेरे को नौटंकी करना पसंद नहीं है, वो तो नौटंकी करते हैं भैया। आप बोलो मैं तो पवित्र हूं, मैं परमेश्वर को समर्पित हूं। आप अपने आप में इस एहसास को रखें, आई एम ए डेडिकेटेड चाइल्ड ऑफ गॉड, और फिर वो देखो डेडिकेशन आपके जीवन में कैसे काम करता है। मेरी मां 4 साल का जब मैं था तब इस संसार से चली गई थी। कल मैं कहीं बोल रहा था एक फैमिली के अंदर, तो छोटा बच्चा था एक, वो हिंदू परिवार से ही है, कहता क्या हो गया था आपकी मम्मी को, क्यों चली गई थी आपको छोड़ के। मैंने कहा बेटे हम ना इस लायक नहीं थे उस समय कि मम्मी का बहुत अच्छा सा इलाज करवाते या बहुत उनकी केयर करते, तो इस वजह से चली गई। अच्छी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये बताया गया कि तेरी मम्मी ने तुझे प्रभु को समर्पित कर दिया। एक वाक्य, उस वाक्य को मैंने पकड़ के रखा कि मैं प्रभु के लिए एक समर्पित बच्चा। आपके बच्चों को कुछ नहीं होने वाला, मैं गारंटी देता हूं। आप परमेश्वर के लिए समर्पित रहिए तो आपके बच्चे प्रभु के लिए समर्पित जरूर रहेंगे, कहीं नहीं जा सकते। और कभी गलती से चले भी गए, कभी कभी गाड़ी की ब्रेक डाउन हो जाता है, कभी कभी अचानक से गड्ढा आ जाता है, कभी कभी टायर बस्ट हो जाता है, फिर से गाड़ी चल पड़ेगी। बी अश्योर्ड। हम समाप्त करने से पहले पहलौटों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। आज सुबह जैसे मैंने वचन दिया था वही शेयर में कर, वही वचन शेयर करना चाहता हूँ। 43:18-19 यशाया, Isaiah 43:18-19 हम पढ़ेंगे जी। कहाँ चली गई वो बहन पढ़ने वाली है? यशाया 43:18-19 जी। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उनसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हाँ जी, इधर से पढ़ी जिन्होंने देखा है कि क्या सिस्टर बोल रही थी। 18-19 कोई भी पढ़ दीजिए, किसी का इंतजार मत करिए। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमेन। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में नदियों का वर्णन शुरू होता है। उत्पत्ति में एक नदी है, फिर 4 नदियां बन जाती हैं, नदियां बहती रहती हैं, बहुत सी नदियों का वर्णन है। यरदन नदी का वर्णन है, डैनियल ने एक स्वप्न देखा उसमें आग की नदी है, रिवर ऑफ फायर, बहुत सी नदियों का वर्णन है। फिर प्रकाशित वाक्य में नदी का वर्णन है, जीवन के जल की। इस नदी के विषय से आप दूर ना जाएं। देखिए होता क्या है कि हम टेबलेट खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक ऐसा भी पानी होता है, क्या बोलते हैं शायद, इसके अंदर आप नहा लो तो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं।
गंधक का पानी, गंधक का पानी मसूरी में उधर ये कुछ लोकेशन है, कुछ लोकेशन दिल्ली के भी यहाँ पे भी है। अच्छा, साइड से आके ओके सोना कुंड के पास, तो गंधक का पानी है, आप उसमें से डिप करिए, टेक के बाद काफी बीमारियां ठीक हो जाएगी। नेचुरली गर्म रहता है वो, बोलता हूं जी। तो पानी के अंदर जीवन है, पानी में चंगाई है, जम्स को मारता है ये पानी है, इसके अंदर कुछ कुछ हम मिला देते हैं, पानी ही जीवन है ऐसे भी बोलते हैं लोग। यीशु मसीह एक बार एक स्त्री से बात कर रहे थे जो कि 5 पति कर चुकी थी। अब मुझे नहीं पता कि 5 पति करने के पीछे उसकी अपनी कोई कहानी थी या लोगों का उसके प्रति दुराचार या व्यभिचार का काम था। कभी कभी स्त्रियों को एक सुरक्षा के लिए कि भाई ये मैं इसकी पत्नी हूं कहलाना चाहती हैं ताकि समाज में उसकी इज्जत बनी रहे, या ये भी कारण हो सकता है कि वो ठुकराई गई हो बार बार। यीशु मसीह जानबूझ के उस स्त्री के पास आते, मुझे ये समझ में आता है कि प्रभु का ध्यान ठुकराए हुए लोगों के ऊपर ज्यादा है, धर्मी लोगों पर कम है। समाज ठोकरे ज्यादा देता है, गले से कम लगाता है, इसीलिए यीशु मसीह को संसार में आने की जरूरत पड़ी। अभी पिछले सत्र में कोई बहन बोल रही थी कि हमारे यहां कौन से भगवानों की कमी थी, तो ठीक है आपकी बात, भगवान तो बहुत है लेकिन गले से लगाने वाला नहीं था। मेरे यीशु गले से लगाता है, जिसको संसार ने कह दिया, समाज ने कह दिया कि नहीं ये तो तिरस्कृत है, ये हमारी नजरों में तो नीची है, नीच है, यीशु उसी के पास जाता है, जानबूझ के जाता है। यूहन्ना के 4 अध्याय में लिखा है कि यीशु कहते हैं कि मुझे सामरिया होकर जाना जरूरी है, भाई तुम नहीं समझोगे इस बात को। वही बात आपके जीवन में और मेरे जीवन में हुई। आपको माफ करिए, मैं ये कहूंगा कि पास्टर अमित ने आपको नहीं खींचा कि आप प्रभु को ग्रहण करें, सिस्टर अन्नू ने नहीं आपसे कहा कि आप प्रभु को ग्रहण करें, इन तो आपको वचन सुनाया या कोई आपको यहां पर लेकर आया। बहुत से आते हैं, कई सैकड़ों ऐसे होंगे जो आज यहां पर नहीं है, वचन सुनकर चले गए, लेकिन प्रभु ने दया करी कि प्रभु ने आपको अपनी ओर खींच लिया। उस सामरी स्त्री के पास भी यीशु चले जाते हैं और उसे कहते हैं यदि तू ये जानती जो तुझसे बात कर रहा है कौन है तो तू उससे क्या करती, मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। क्या आज आप यीशु के पास आकर उससे जल मांगने के लिए तैयार हैं? मैं चाहता हूं कि आपकी गवाहियां बदले, आपकी गवाहियां बदले। 2021 में कुछ नई बातों को आप सोचे, नई बातों को अकम्पलिश करें, उन्हें परफॉर्म करें, उन्हें पूरा करें। कल मैं एक परिवार मिक्स में था तो जो लड़का मेरे से बात कर रहा था वो भी मसीह में नहीं है, लेकिन बात करते करते कह रहा था अंकल ये भी हो सकता है कि एक दिन जैसे आप बात कर रहे हैं मैं भी करने लग जाऊं। 2 बच्चों का बाप है वो, उसके भाई ने प्रभु को ग्रहण किया हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल बेशक, प्रभु की तो इच्छा यही है, प्रभु ने तो अपने चेलों को ठहराया ही बनाया इसीलिए कि तुम जाओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, यू परफॉर्म ऑल दोस मिरेकल्स दैट आई हैव परफॉर्म्ड, आप उन्हीं उन चमत्कारों को करो जो मैंने किए, मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखा दिया।
मैं सोचता हूँ कि कुछ महीनों बाद आप में से कुछ लोग ऐसी गवाही देने वाले बने कि भाई साहब उस दिन हमने वचन सुना था, हमने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु हमें भी तू ये वरदान दे, हमें भी ये वरदान दे। यहाँ पर बहुत से लोग वरदान पाए हुए, वो जो बहन अभी उठ के गई है वो ये ना स्प्रेशन जो सैनिटाइज करती है, अच्छा वो, अच्छा ठीक है, तो वो वरदान है। इस सेवा करना तो बहुत बड़ा वरदान है, हम सोचते हैं यहां खड़े होकर प्रचार करना वरदान है, ये तो कोई भी कर लेगा। वरदान है यहां पर आकर इस कारपेट को झाड़ू मारना, सीढ़ियों में झाड़ू मारना, सेवा करना एक बहुत बड़ा वरदान है। सो प्रभु से गिफ्ट मांगे, मेक मी ए गिफ्टेड पर्सन, प्रभु वरदान पाए हुए व्यक्ति मुझे बना दीजिए। देखिए ऐसे ही बने रहेंगे एलडीसी, एलडीसी बोलते हैं क्लर्क जो था शुरू शुरू का, एलडीसी बने रहने से कोई फायदा नहीं, कोई खाकी वर्दी, कोई फीत नहीं लगी, कोई स्टार नहीं लगा हुआ, मध्य प्रदेश बाहर भागा नहीं जा रहा, दौड़ा नहीं जा रहा, कोई फायदा, कम से कम 3 स्टार तो लगे, सलूट मिले कुछ। प्रभु वो चाहता है आपके जीवन से। मैं पवित्र आत्मा में ये भविष्यवाणी करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग प्रभु के लिए तैयार होने जा रहे हैं। अब अपने आप को एक 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 कैटेगरी में ले आइए कि परमेश्वर दास को मैं कहूंगा कि एक एक ग्रुप बना दीजिए जो सेकंड लाइन लीडरशिप का, जो लोग प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार है। आज आप शुरुआत करेंगे 2 साल में आप तैयार होते हैं, और बहुत बड़ी सेवाएं नहीं करनी होती है, बहुत बाइबल का ज्ञान नहीं चाहिए, कुछ नहीं। एक लड़की बाइबल के अंदर इसका वर्णन है, मैं इधर से उधर आपको ले जा रहा हूं, नए नियम से पुराने, पुराने से नए नियम में। तो वो भूमिका गई बैठी, तो क्या करी? अच्छा मैं सोचा फोन में कुछ देख रही, मैं ऐसे चेक करता रहता हूँ। वो लड़की मैं बच्चों को छेड़ता रहता हूँ, वो लड़की गुलामी के अंदर है, दासी है, नामान कोड़ी की बात कर रहा हूं मैं, बेचारे का नाम ही नामान कोड़ी कर दिया है, जनरल सेनापति है, सेनापति नाम ही कोई नहीं करा उसको, किसी विडंबना है, है? है? सूरवीर था, विजय दिलाई थी उसने, उसी ने विजय दिलाई थी, लेकिन बाइबल कह रही नामान कोट की नाम ही गायब हो गया, मानता नहीं किसी की, आप तो नहीं है नामान को, लेकिन एक लड़की है वहां पर छोटी सी, जैसे ये बैठी है ना पिंक के अंदर, हेलो सिस्टर आपसे कह रहा हूँ, रूबी आनिया, चल ठीक है सानिया, जैसे छोटी सी लड़की, मैं भी अराउंड 10 ईयर्स, 10 ईयर तक की छोटी बच्चे कहते हैं, उसके बाद तो मुश्किल हो जाता छोटी लड़की, कहती है कि काश कि मेरा स्वामी शमरोन चला जाता, क्या होता वहां पर, अरे तेरा कोट ठीक हो जाता भाई सेनापति साहब। अब एक दासी लड़की कह रही है, और नहीं हुआ तो इतना मारेंगे ना मरने देंगे ना जिंदा छोड़ेंगे, उन दिनों में गुलामों के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। एक समय था जबकि गुलामों का बाजार लगा करता था दक्षिण अफ्रीका में, स्लेव मार्केट, और वो उनको ऐसे घसीट घसीट के ले आते थे, और जो नहीं चल पाते थे वही तलवार मार के उनको फेंक देते थे, कहते क्या इन बीमारों को लेकर जाएंगे, नहीं चल पा रहे हैं ना वहां का किसी काम लेकर। लेकिन उस लड़की का हिम्मत देखिए, जज्बा देखिए, एक सेनापति से कह रही है कि काश कि मेरा स्वामी शमरोन चला जाता और वहां पर उसका कोट ठीक हो जाता, तेरी क्या हिम्मत कि तू अपने स्वामी से कहे कि ये कोढ़ी है,
सबसे पहली बात तो यही है ना, जब तू ये कह रही है कि इसका कोट ठीक हो जाता है, मतलब कि तू अपने स्वामी को कोड ही बता रही है, हाउ यू डेयर टू कॉल हिम। यही लोगों की दिक्कत है। तू पांच पति कर चुकी है, तू कौन लगा है जो मेरे को कह रहा है पांच पति कर चुकी है? मुझे नहीं पता तू कितने कर चुकी है। तू अपने पति की शराब तो छुड़ा ले, मेरे गीत बाद में प्रार्थना करना, कोई बात नहीं। सुन लीजिए उस वाक्य को, कह लगा मेरे पति की शराब भी अपने समय पर छूट जाएगी, लेकिन बहन मैं आज आपके घर में आई हूं प्रार्थना करने के लिए कि आपके घर में प्रभु की आशीष आए। मुझे नहीं पता, मैं ये सब तैयारी के साथ नहीं बोल रहा हूं, जैसे पवित्र आत्मा जिन वचनों को बुलवा रहा है मैं बोल रहा हूं। यदि गुलाम लड़की, देखिए पहली बात तो गुलाम है, पराधीन है, छोटी लड़की है, अभी तो उसके रोने धोने के दिन है, क्योंकि मां बाप से दूर है, सहेलियों से दूर है, अपने वतन से दूर है, अपने खान पान से दूर है, लेकिन उसका ध्यान कहां लगा हुआ है? परमेश्वर कि परमेश्वर कुछ करने वाला परमेश्वर है। छोटे बच्चे ध्यान से सुनो, मेरे बच्चों में बहुत रुचि रहती है क्योंकि इनका ना दिमाग बहुत चलता है, हमें नहीं पता इनका दिमाग बहुत चलता है। हमारी वाली जो है 6 साल की हो जाएगी मई में, खेलती रहेगी, कुछ भी करती रहेगी और बीच में एक कमेंट मार देगी, अपनी सारी बातों को सुनती है। हाँ, ये सारी स्मार्ट है, ये सारी स्मार्ट वुमन है। आप इधर पूछो घर जाके, वो अंकल क्या क्या बोल रहे थे बता दीजिए। यीशु मसीह ने इसीलिए तो कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, तुम बेवकूफ हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, इनको आने दो जिनको तुम भगा देते हो, नहीं तुम उधर जाके बैठ जाओ, क्यों बैठ जाओ? यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों के समान बनो, हम बने बनाए पहले, तुम्हें कह रहा तुम बच्चों के समान बनो। वो छोटी लड़की, उसका ध्यान परमेश्वर की ओर है। हम क्या करते हैं, अपनी शिकायतें, अपनी तकलीफें, मुझे ये वाला फोन नहीं, पापा ने दिलवाया, बोल रहे थे बर्थडे भी दिला रहे हैं, बर्थडे भी चला गया, फिर कह रहे कि वहां से आऊंगा तो वहां से लेकर आऊंगा, तो वो भी नहीं लेकर आए, वो ये हो गया, वो मिल जाएगा तब भी क्या कर लेगी, तो ये बता दे मुझे। काश कि मेरा स्वामी शमरोन चला जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसे बहुत से कूड़ी हैं, कूड़ी मतलब यू नो समथिंग दैट यू वांट टू हाइड, कुछ ऐसी अंदर की गंदगी, इसको लोग छिपाना चाहते हैं, लोग गंदगी के अंदर जीवन बिता रहे हैं। आपके पास उनके लिए उम्मीद है। देखिए अब ये बातें बताना बंद कर दीजिए, मेरे सिर में दर्द था, सिर का दर्द ठीक हो गया, घुटने का दर्द था, घुटने का ठीक हो गया, वो तो होगा ही होगा भाई, वो तो होगा ही होगा, प्रभु के बच्चे हैं ना, आपका इंश्योरेंस है हर चीज का, मेडिक्लेम है, प्रभु आपको रहने नहीं देगा ऐसे। अब आपका काम है डॉक्टर बनना, पर कुछ 16 में लिखा है कि विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, क्या चिन्ह होंगे? अरे बाप रे भाई, सब दुष्ट आत्मा का नाम मतलब तो डर लग जाता है पहले, ये तो आप ही करवा रहे, क्या क्या करेंगे वो? तो हानि नहीं होगी और बीमारों पर कभी रखा किसी बीमार के ऊपर हाथ, क्या हमेशा रखवाते रहे? मेरा हाल ये हो गया, हाथ रखवा रखवा जल हाथ मत रख पाए। रखो गंजा करो दूसरे को। आइडेंटिफाई योर सेल्फ, दूसरे को आइडेंटिफाई मत करो, मैं हूं परमेश्वर का जन, और फिर लेकर आओ उसको चर्च में। भाई साहब ये देखो जी, ये है, ये देख रहे हो,
इतनी तड़प रही थी उस दिन, पेट में बड़ा दर्द हो रहा था, ये हो रहा था। मैंने भी उस दिन वचन सुना था, मैंने भी रख दिया विश्वास से। अब पूछो इससे आप, वो देगी गवाही, वो होगी आपकी गवाही। नजरिया बदलिए, काम करने का तरीका बदलिए। बहुत दिन हो गए खाते खाते, खिलाना शुरू करिए। तो भाई साहब यही तो कर रहे हैं, नहीं खा रहे तो किसी न किसी को तो खिला ही रहे होंगे। वाइफ को तो आराम मिल ही रहा है, वाइफ आई कि है कि नहीं है, कि किधर कितने है, आराम हो गया आपको, साल का करवा दे, कपड़े नहीं खरीदने पड़ जाएंगे, खर्चा बढ़ जाएगा आपके। मार्च तक कहा है? जितना इस शरीर को मारोगे बाहर वाले को, उतना अंदर वाला तगड़ा होता चला जाएगा, अंदर वाला तगड़ा होता चला जाएगा। फिर आप कहोगे अब मैं कहां जाऊं, अब मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, किसको सुनाऊं जाके। अंदर से आ जाएगी जोश, अंदर की गर्मी आ जाएगी। हालेलुया। अरे इसीलिए तो प्रभु ने बनाया हमारे को, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और जब तुम इस पानी में से पियोगे, तुम्हारे हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। पियो उस पानी को, आओ पियो। आशीष कहाँ? अच्छा भूमि आ रहा, ठीक है। तो कीबोर्ड पर किसने आना उसको बुला लो। हाँ आ जाओ, चलो खेलेंगे। मैं इनका नाम क्या है, जितेंद्र जी। मैं ना, मुझे अच्छा लगता है मैं व्यक्तियों से डायरेक्ट बात करता हूँ। यीशु मसीह कैसे कहते हैं, पतरस चल, योना आ जा, फिलिप तू हिसाब किताब लगा, रोटियों का इंतजाम कर। हम परमेश्वर के लोग हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि जब तक इस संगति में है, जब तक इस हॉल में है, तब तक हमें ठीक ठाक लगता है। उसके बाद फिर वैसे संसार कैसे हो जाते हैं, वही चिंताएं हमारी आ जाती है, वही सूट की तरफ ध्यान चला जाता है, वही फोन की तरफ ध्यान चला जाता है, वही कार के बारे में सोचने लग जाते हैं। अरे कार बेकार है, क्या करना है उस कार का, कार के लिए कार सेवा करो ना। उस कार से तो कार सेवा अच्छी है जो किसी के काम तो आती है, और उसी सेवा के लिए प्रभु ने आपको मुझको बुलाया। तो वो बेटी जो थी गुलाम जो थी, वो कह देती है कि मेरा स्वामी यदि मां चला जाता तो ठीक हो जाता, तो वो ठीक हो जाता, वो ठीक हो जाता। उसने कुछ नहीं करा, उसने कुछ नहीं करा, सिर्फ कहा उसको। आपके संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपको बोलना है संडे की संडे, यहाँ आराधना होती है, यहाँ प्रार्थना होती है, ये हमारे पादरी साहब का नंबर है, आप कर लो बात। सामरी स्त्री से यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू ये जानती, मैं उस वचन को आपको पढ़ के सुनाता हूँ, योहन्ना 4 में, यदि आपको मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। चार का 10, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। आज John 4:10, यूहन्ना 4:10, आज भी प्रभु का आत्मा आपसे कहना चाहता है कि इस जीवन के जल को प्रभु से मांगिए। क्योंकि समय कम होने की वजह से मैंने फिर से उस आयत को नहीं दोहराया जो बहन ने पढ़ा था 43:19 के अंदर, यशाया 43:19। आप पढ़िएगा उसको, 43:19 को दोबारा पढ़ लीजिएगा, हम प्रार्थना में जाने वाले हैं। देखो मैं एक नई बात करता हूं,
पढ़िए पढ़िए बोल, बिना माइक के पढ़िए, माइक के पढ़िए। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, अभी करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, अभी अभी आज की बात है। क्या पढ़िए, क्या तुम उससे अनजान रहोगे, क्या तुम उससे अनजान रहोगे, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, जंगल में मार्ग, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, निर्जल देश में। मैंने सुबह भी कहा था, फिर से कह रहा हूं इस बात को, हम नहर बना सकते हैं, नदी नहीं बना सकते। नदी अपना रास्ता खुद ढूंढती है, नदी को जहां जाना वहां जाएगी, कुआं वहीं रहता है, कुएं का पानी सड़ सकता है, कुएं के अंदर कुएं के पानी में मच्छर इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन नदी में नहीं होता, फ्रेश वाटर। एक ताजगी आपकी जिंदगी में आए, मसीह जीवन के अंदर एक ताजगी बनी रहे, अब प्रभु के लिए कुछ इस्तेमाल हो जाए, कुछ उसके लिए उपयोगी बन जाए आप। हमेशा यही कहना कि मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, वो नहीं। अब आप ये सोचनी चाहिए, सोचनी चाहिए, मैं किसी को क्या दे सकता हूं, मैं किसी के लिए क्या प्रार्थना कर सकता हूं। यहां बार बार आकर प्रार्थना करवाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आप किसी के पास चले जाइए, मैं आपके लिए किस चीज के लिए प्रार्थना, बहन मैं आपके लिए किस चीज के लिए प्रार्थना। आप सिर्फ पूछिए, चाहे आप उसे लेकर भाई साहब के पास आ जाइए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करके दे। नदी आपको परमेश्वर बनाना चाहता है। अब नदी में ही गोता लगाने वाले तो नामान कोड़ी है, आप समझ रहे, आप नामान कोड़ी की तरह नदी में जाकर गोता लगाना चाहते हैं, या खुद नदी बनना चाहते हैं कि बहुत से लोग आए, हजारों लोग आए आपके पास और शुद्ध हो जाए। डिफरेंस है दोनों में, खुद गोता लगाकर ठीक हो रहे हैं, फिर कुछ हो जाएगा आपको, फिर जाना पड़ेगा, फिर गोता लगाना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप नदी बन जाएं और हजारों लोग आपके पास आए। अब हजार लोग एक दिन में नहीं आएंगे। आपने किसी को सुसमाचार सुनाया, उसका जीवन बच गया, वो किसी और को सुसमाचार सुना रहा है, उसका जीवन बच गया, एक चेन बन जाती है। ऐसे ही हजारों लोग प्रभु के पास आए। हालेलुया। तैयार रहे, प्रभु आपको नदी बनाने जा रहा है, उस पानी को प्रभु से मांगना है, प्रभु से पानी मांगिए, प्रभु मुझे पानी दे, मुझे पानी दे, प्रभु मेरे हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहने पाए, बहने दे। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने बैग्स साइड में कर दें और अपने आप को परमेश्वर के तेरा दर्शन हमें मिले, करते बहन दे उस हवा को,
है।